کنه. گلینیه. گلینی. کاش. تو گاوتش چلتو ته. इनके बुलाने से तो और ज्यादा आ रहे हैं। नहीं भागे और जोर से दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और अगर आप इस चैनल पे नहीं हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। तो अभी मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। तो अभी आपको आवाज़ से पता चल गया होगा कि तोते आने शुरू हो चुके हैं। तो अभी लगभग 6 से 8 बजे तक तोते आएंगे, उसके बाद नहीं आते। उसके बाद धूप लग जाती है, फिर वो भी चल जाएंगे, फिर शाम को आते हैं 6 बजे के बाद। तो उनका टाइम फिक्स है 2-2 घंटे सुबह शाम, दिन को भी आ जाते कभी कभार। तो ये देख सकते हैं, पीछे जब व्लॉग डाला था उतना रंग नहीं आया था सेम में, पर अब हल्का हल्का सा आ गया है। दोस्तों अभी टाइम 8 बजने वाले हैं, तो अब चलते हैं वापस घर की तरफ। तो अब नहीं आएंगे तोते, धूप भी लगने वाली है, लगभग इधर झुक झुक के चलना पड़ता है। सारे जो जिसमें भी सेब लगे सारे टाने नीचे आए हुए हैं और मौसम तो आप देख सकते हैं आज बिल्कुल अटपटा सा है, पता नहीं चल रहा है कभी मौसम खुल रहा है कभी वापसी बादल आ रहे हैं। तो चलते हैं वापस घर की तरफ और देखते हैं कहाँ जाएँगे। आगे भी जा सकते हैं नाली, तो यहाँ पर हमने तिरपाल डाला था, पीछे यहाँ से दरार पड़ गई थी यहाँ तक, तो ये ढक दिया था क्योंकि यहाँ से पानी घुस रहा था, फिर ये वाला पेड़ गिरने के कुछ चांसेस थे। तो चलो अभी चलते हैं वापस घर और उसके बाद अभी शायद मैं नाली जाऊंगा आगे, बोनी भाई के घर के पास खेत है, वहाँ देखोगे आपने काफ़ी बार गया है, व्लॉग में दिखाया हुआ है। तो देखते हैं अगर जाऊँगा तो, बाकी शाम को जाएँगे ऊपर वॉलीबॉल खेलने धार पर। मैं तो लगभग जाऊँगा आज, जा भी सकता हूँ नहीं भी, अगर जाऊँगा तो लगभग 1 साल बाद खेलूँगा वॉलीबॉल। उससे पहले इस पीछे रामपुर में खेला था जब टूर्नामेंट की प्रैक्टिस कर रहे थे पिछले साल। और ये है हमारा गांव, बीच में आपको दिख रहा होगा नागदेवता जी का टेंपल। चारों तरफ आप देख सकते हैं फॉग ही फॉग है, कुछ भी दिख नहीं रहा होगा आपको। A few moments later. अभी ब्रेकफास्ट कर दिया, तो अभी जा रहे हैं आगे खेत की तरफ नाली, तो वहाँ पे कुछ देखने हैं पत्ते कैसे, तो कल स्प्रे करनी है वहाँ पे, तो दवाई लानी पड़ेगी उसी हिसाब से। तो अभी जा रहे हैं, मेरे साथ कुलदीप भैया तो आ रहे हैं वो पीछे से। तो अभी बस आधे रास्ते में ही पहुँचे स्कूल के पास, जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर गाँव में आगे को। तो यहाँ से भी लगभग आधा घंटा का टाइम लग जाएगा यहाँ से और। तो मौसम अभी देखो आप, सुबह तो ख़राब था लगभग 6-7 बजे, अभी टाइम 10 बज रहे तो फिलहाल तो सही हो गया मौसम। अभी जो आगे व्लॉग आने वाले ना, काफ़ी बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं 5-6 दिन के बाद। तो अभी सीज़न भी स्टार्ट होगा सेब का, तो उसके बाद हम सेब को मार्केट में ले जाएंगे, वो कहीं भी ले जा सकते हैं, सोलन, शिमला, नारकंडा, वैसे नारकंडा ही ले जाते हैं। तो देखते हैं जहाँ पर सेब बढ़िया बिकेगा तो वहीं ले जाते हैं। तो उसके बाद मेला भी आ रहा है, ननखरी मेला है, कुंगल बाल्टी मेला है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दो। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कुलदीप भैया का, तो मेरे साथ ही आ रहे थे पीछे से, वहाँ पे इनको कुछ मिल गया, कोई मिल गया वहाँ पे, बात कर रहे हैं उनके साथ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, 5 मिनट तो हो गए मेरे को यहाँ बैठे हुए, तो फिर साथ ही जाएँगे। तो दोस्तों अभी कुलदीप भी आ गया है, तो इनके साथ रेम्बो भी आ रहा है देखो साथ साथ में। तो अब चलते आगे और मिलेंगे आपको आगे। हम सबसे पहले आए हैं कुल्लू भाई के खेत में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रंग आना बाकी है, पर साइज़ देखो आप, साइज़ तो लार्ज ही है एक कुल्लू भाई। काफ़ी बढ़िया सेब लगे कुल्लू भाई के भी इस बार, पर इस बार किसी का भी साइज़ नहीं है, पर यहाँ पे देखो आप कितना बढ़िया साइज़ है। पीछे आपने देखा होगा मेरे खेत में कुछ साइज़ नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे है, और यहाँ पर साइज़ काफ़ी बढ़िया।
इनकी वैल्यू होती है मार्केट में साइज ना, ये देखो यहाँ लार्ज पतली फसल है और बढ़िया है। और देखो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेब लगे होते हैं ना वहाँ पे कम साइज होता है, तो बढ़िया है कि पतली फसल हो। और यहाँ से व्यू चेक करो आप, काफ़ी बढ़िया व्यू। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम मेरे खेत में, तो यहाँ पे भी लगभग लार्ज साइज तो बढ़िया है पर रंग नहीं आ रहा है, तो रंग की स्प्रे करनी पड़ेगी, कलर के लिए कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं आप हरे ही है बिल्कुल, चोटी तो होगी है लाल पर होली एफर्ट भी हल्का हल्का सा। तो गाइज अभी जा रहे हैं वापस घर की तरफ, तो टाइम 11:30 हो रहे हैं अभी, तो घर जाके रेस्ट करेंगे और लंच करने के बाद फिर जाएंगे धार पर जाएंगे या फिर पीछे मोरदार जाएंगे, वहाँ पे आज से क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं हम। तो अभी यहाँ स्कूल के पास पहुँच रहे, तो आगे है बोनी भाई और कुलदीप भैया, तो चलो चलते अभी घर और फिर मिलते हैं आपको बाद में लंच करके। 2000 years later. So friends, अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो ऊपर नहीं गया मैं खेलने, तो जैसे ही हम आ गया खेत से तो लंच किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, तो अब यहाँ पीछे खेत को जा रहे हैं। और अभी मेरे साथ कौन है? ट्रिस्टल। और कौन है साथ? आप तो ट्रिस्टल को बड़ा शौक है व्लॉग बनाने का, बोल रही थी कि मैंने भी व्लॉग बनाना है। और गुन्नू भी आ रही है पीछे पीछे से गुलदस्ता लेके बिल्कुल, और अनु भी है साथ में। चलो मैं हाँ बोलो। तो हम जा रहे अनुराग के खेत में, क्या करेंगे वहाँ? तो मैंने लैंटर में भी बनाया था ब्लॉक, और हम जाएंगे, हम मैं ऊपर नहीं गई थी ताश खेलने, थोड़ा लंच किया फिर रेस्ट किया, अभी हम जा रहे खेत। ये देखिए मकान तो पूरा गिर चुके हैं। हाँ तो ट्रिस्टर का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, तो ट्रिस्टर के व्लॉग को क्या करना है, चैनल लाइक कमेंट करना ट्रिस्टर के व्लॉग पे, तो और क्या करना है, लाइक एंड कमेंट। कितना दिमाग लाते कहाँ से आप? पढ़ती हूँ गाइस, तो मैं ओके अब और कितने बनाना? और साथ में मेरे साथ था गुंजन अनन्या, और मैं जा रही हूँ। हाँ जा रही हूँ आप। गुन्नू ये क्या चीज़ है? फूल दिखता नहीं है? दिखता ही तो नहीं है मेरे को। अन्नो हाय कर दो। आपके लिए आउटरीच चल तोते। इनके बुलाने से तो और ज़्यादा आ रही है। नहीं भागे और जोर से अब दूर में ग्रेंट भी आता मेरे में और पेड़ जाएगा ही मजे आ पेड़ जा रहे ओए ये पेड़ ऐसे है उनका फ्रेंड्स अब जा रहे हैं वापस घर की तरफ, यहाँ पे ट्रिस्टल, ट्रिस्टल आराम से लगी, मैं आपसे आगे जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। क्या तब थोड़ा मैं था नहीं ना, हेलो क्या फिर यहाँ कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं नॉक 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 हेलो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? जूस। वाह कौन सा जूस है? तो इसमें जूस कम पानी ज्यादा दिख रहा है मेरे को, जूस कम है इसमें पानी ज्यादा है, चीनी डाल के यहाँ गुन्नू नहीं पीना मैं। क्यों? ये किसको दे रही तू? दे रही आपको। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में। अगर व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और शक्कर पारे
सब्सक्राइब बोल दो उसको, तो मिलते हैं खाली नेक्स्ट व्लॉग में। शक्कर पारा बोल रही हूं मैं। शक्कर पारा क्या सब्सक्राइब होता है? चलिए गाइस, पता है मेरे को सब्सक्राइब होते हैं, मैं आपको शक्कर पारा बोल रही हूं। शक्कर पारा क्यों देना मेरे को? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।